बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप सो यू आर फाइन। बेटा आज हम अपना स्टार्ट करेंगे, सेकंड टर्म का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास एट साइंस, जनरल साइंस, ठीक है। इसका आज हम चैप्टर नंबर 5 में स्टार्ट किया हुआ था, उसका हम कुछ हमने उसके शार्ट क्वेश्चन किए थे, आज हम करेंगे उसके नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वो होगा इक्वेशन के बारे में, होगा आपका ये एक्सरसाइज के अंदर है, ठीक है। एक्सरसाइज जो चैप्टर 5 की एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन आपका गिवन है 5.4, ठीक है। आइए देखते हैं हम कौन सा उसको हम सॉल्व करते हैं और उसके साथ पढ़ते हैं। ये हमारे देखें, ये क्वेश्चन हमारा 5.4, ये उसके अंदर आपके एक्सरसाइज के अंदर गिवन है चैप्टर 5 के। कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इनकम्प्लीट इक्वेशन, इसका फर्स्ट के इस तरह ये आपका दिया गया होगा, ये जो मैं मार्कर में लिखा होगा ये आपको गिवन होगा, आपने इसको बैलेंस करना है और क्या करना है, कंप्लीट करना है दोनों को, ठीक है। अब ये मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन के साथ साथ रिएक्शन होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारे पास, ये देखें, रिएक्शन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, लेकिन आपने यहाँ पे इसको बैलेंस भी करना है। बैलेंस क्या होता है कि जितने इसके अंदर इतने एटम है मैग्नीशियम के, उतनी इधर वो होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 Mg हैं, 2 हैं मैग्नीशियम, यहाँ पे भी 2 हैं, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई मिलेगा, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। इसको बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट पढ़ा, नेक्स्ट देखें सेकंड पार्ट इसका, मीथेन CH4 होता है मीथेन का फॉर्मूला, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। जब मीथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेटा हमें क्या मिलेगा, वाटर, और क्या आएगा साथ, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये देखते हैं, अब बैलेंस देखते हैं, इधर देखें, अब CH4, ठीक है, यहाँ पे 2 O2, ये हमने 2 हो से लिखा है, क्यों लिखा है कि इसको हमने बैलेंस भी किया है। देखिए यहाँ पे अब चेक करते हैं, यहाँ पे कार्बन कितने, कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, ठीक है, बैलेंस है। उसके बाद H कितने, H4 है, यहाँ पे H कितने हैं, 2 × 4, यहाँ पे H4 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 2 × 4 है, यहाँ पे 2 ये हैं और 2 ये हैं, 4, इसका मतलब ये हमारा बैलेंस भी होगा, कंप्लीट भी होगा। नेक्स्ट आपका आयरन आता है, आयरन का रिएक्शन होगा सल्फर के साथ, बनेगा सल्फर ऑक्साइड, सल्फर आयरन सल्फेट बनेगा, क्या बनेगा, आयरन सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट आएगा 4 एंड नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या बनेगा हमारे पास, अमोनिया बनता है। NH3 किसका फार्मूला है, अमोनिया का होता है, N2 + 3H2 विल गिव अस 2NH3, ठीक है। यहाँ पे देखिए N कितनी है, 2 है, यहाँ पे कितनी N है, 2 है, ठीक है। यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन है, ये 2 को 3, इससे यहाँ पे 3 हमने लगाया बैलेंसिंग के लिए, इधर नहीं, लेकिन हमने बैलेंस करने के लिए लगाया, 3 × 2 × 6, यहाँ पे देखें 2 × 3 × 6 पूरे बैलेंस है। नेक्स्ट का फिफ्थ पार्ट है जो कि लास्ट है इसका, वो सोडियम है, N नहीं होता है, सोडियम प्लस Cl2 क्लोरीन होता है, इसका रिएक्शन दोनों को करवाए तो बनिए बनेगा हमारे पास सोडियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पे Na है, ठीक है, Na और Cl, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड तो बन जाएगा, लेकिन इसको हमने बैलेंस भी करना है। बैलेंस देखिए यहाँ पे Cl2 है, 2 है, यहाँ पे हमने 2 लाने के लिए 2 लिखा है, और इस तरह अब ना हमारे सोडियम 2 बन गए हैं, तो इधर 2 रखने के लिए, सो 2 बनाने के लिए इसके 2 तो